हेलो दोस्तों, देखिए हम लोग माउथ स्प्रे से कलर कर रहे हैं और इसमें बिना स्केच किए, बिना आर्ट किए, बिना ग्राफ किए हम लोग पेंटिंग बना रहे हैं, सादी पेंटिंग। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखिए, अपने माउथ स्प्रे को उठाकर आप कलर को जिस तरीके से कलर कीजिएगा वैसे आपको कलर करना है। पेंटिंग को अपने दिल दिमाग में बसा लेना है कि किस तरीके से बनाना है। तो उसके लिए आपको अपने दिलो दिमाग में पेंटिंग को अंदर बसा कर रखना है कि इस तरीके से मैं पेंटिंग करने वाला हूँ। तो आप पेंसिल से स्केच करके बनाते हो, उसी को ध्यान में रखना है कि किस तरीके से बनाना है, लेकिन उसको सीधा आप माउथ स्प्रे के सहारे से करना है। उसके बाद आप उसको आउटलाइन करेंगे तो आप उसमें बेटर बैठेगा। तो देखिए इस तरीके से माउथ स्प्रे का हमारा कार्य चलता हुआ। ये फ्लोरोसेंट कलर है दोस्तों, फ्लोरोसेंट नाम से आता है पाउच में। इसे हमें घोलना पड़ता है DDL के माध्यम से। और माउथ स्प्रे या तो आपको ये कलर लेना हो तो मेरे नंबर दिख रहा है, उसमें संपर्क कीजिए। ऑल इंडिया प्रोसेस है, ऑल इंडिया में कहीं भी ये भिजवा सकता हूँ मैं। इस पोस्ट के जरिए जाएगा, थोड़ा सा पेमेंट ज़्यादा लगेगा, लेकिन कलर और स्प्रे के सहारे से आपको टाइम भी अच्छा बने, टाइम भी आपका मेंटेनेंस होगा और पेंटिंग भी जल्दी होगा। देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं अपना हिसाब से दो ब्रश पकड़ा हूँ, एक तो बड़ा वाला रहता है, एक तो छोटा वाला रहता है। ये आपका बेनर सेट है, इसमें मोटा मोटा बनता है, देखिए मोटा सीधा जाता है तो अच्छा लगता है दिल में, और पतला रहेगा तो थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा दूर से। उसलिए मोटा वाला ब्रश पकड़िएगा और सीधा ब्रश से खींच दीजिएगा। देखिए किस तरीका से डिटोम की डिटोम सेम ही लग रहा है, देखिए बहुत अच्छा दिख रहा है। तो आपको भी इस तरीका से करना हो तो देखिए बिना सेट में अच्छा बनता है, और जो प्लास्टिक का बाल मुलायम रहता है उसमें लहर हो जाता है। तो देखिए आप बिना सेट पकड़िए और सीधा घुमा दीजिए। अब ये प्लास्टिक वाला पतला बाल है, देखिए आप कोई भी पकड़ सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं तो वही 10 8 नंबर वाला पकड़ता हूँ, 10, या तो सीधा 9, फिर उसमें डायरेक्ट करता हूँ। देखिए इस तरीके से आप भी कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनता है, रिजल्ट आपके सामने है। देखिए आप धीरे धीरे बनाते रहिए, आपका प्रेस्टिक के ऊपर है, जैसे प्रेस्टिक बनता है तो मेरे तरह से बिना पेंसिल की आप ये साइज दे सकते हैं। सीनियर लोगों की तो बात छोड़ो, और जूनियर लोग जो सीख रहे हैं वो ये सीख सकते हैं और ये फॉलो कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से बनाना है दोस्तों, तो वीडियो पर हमारा बने रहिए, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्टेप टू स्टेप इसमें पेंटिंग का कार्य। तो देखिए गाइस इस तरीके से हमारा कार्य आगे बढ़ता हुआ, बिना पेंसिल से स्केच किए आप डायरेक्ट ब्रश से बना सकते हो। देखिए ये बनने के बाद किस तरीके से लगेगा, आपको वीडियो पर देखते रहिए और वीडियो को पूरा तक देखिए। इसमें स्टेप टू स्टेप किस तरीके से बना रहा हूँ, पूरा प्रोसेस है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप पूरा है जो किस तरीके से बनाता हूँ मैं। देखिए धीरे धीरे आप देखिए दोस्तों बनाने का तरीका क्या है। आप बनाओगे तो उसमें लहर उत्पन्न होता है, उस लहर को मेंटेनेंस करने के लिए आपको उसको मोटा लाइनिंग देना पड़ता है दोस्तों। तो देखिए वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा वीडियो बन ही रहा है, तो आप वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस तरीके से हमारा पेंटिंग बनता जाएगा दोस्तों, देखिए किस तरीके से दिख रहा है। इस तरीके से हमारा पेंटिंग बन रहा है, देखिए सादी पेंटिंग बोलना चाहिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं और प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा आपको देखने के लिए मिले और पेंटिंग समझने के लिए मिले। कोई भी जानकारी है तो मेरे नंबर पर संपर्क कीजिएगा या तो व्हाट्सअप कीजिएगा, है ना, और वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आगे बढ़ता हुआ हमारा पेंटिंग धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं, उधर गेट का कार्य भी चल रहा है, गेट पेंटिंग चल रहा है बिना स्केच किए, वो भी डायरेक्ट आप ब्रश से बन रहा है दोस्तों, ब्रश से स्प्रे करके। तो माउथ स्प्रे डायरेक्ट किया गया है, उसके बाद डायरेक्ट ब्रश से बन
मान रहा है, तो आप किसी भाई को माउथ स्प्रे या तो कलर की चाहिए तो देखिए मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा किस तरीके से लेना है, क्या करना है। तो जिसके पास कलर नहीं होगा ऐसा चमकीला कलर तो उसके पास पहुँच जाएगा। देखिए चमकीला कलर है, बहुत ही सुंदर लगता है पेंटिंग इसमें बनाने के लिए। तो देखिए इस तरीके से बनाना है आपको पेंटिंग को, आगे चलते चलते बहुत सुंदर लगने वाला है दोस्तों। और अभी ना ये तो स्केच किया हम लोग बनाए डायरेक्टली, जिस तरीके से समय और जिस तरीके से सब कुछ देखते हुए बनाते हैं दोस्तों, समय रखता हुआ या तो समय चलता हुआ और पेमेंट के हिसाब से पेंटिंग बनता है दोस्तों। बहुत ही सुंदर पेंटिंग और सिंपल पेंटिंग, और समय भी कम लगेगा और पेमेंट भी कम पड़ता है, इसलिए आपको इस तरीके से पेंटिंग ईजी तरीके से बनाना है दोस्तों। ये पेंटिंग आपको आधा घंटा एक घंटा में कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, टाइम भी नहीं लगता और बन भी जाता है। तो देखिए शाम का समय है, रात होने वाला है, हम लोग पेंटिंग कर रहे हैं, रात जब होने वाला है इसलिए थोड़ा कैमरा भी इसका क्वालिटी उतना नज़र नहीं आ रहा है पेंटिंग का, और दिन होता तो फिर पता चलता कौन सी लाइट रहता है। कैसे लग रहा है आप कमेंट में जरूर बताएं, और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं आपको देखने के लिए मिल जाए। तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और बहुत सारा वीडियो बना है माउथ स्प्रे कैसे बनाते हैं, माउथ स्प्रे कहां से खरीदते हैं, कलर कहां से खरीदते हैं, कौन सा कलर अच्छा रहता है, बहुत सारा वीडियो है। आप मेरे वीडियो पर जाकर आप देखिए और बने रहिए, बहुत सारा डिज़ाइन इसमें डला हुआ है, सारी पेंटिंग बहुत सारा पेंटिंग डला हुआ है, और बहुत सारा स्टेप टू स्टेप पेंटिंग है, बहुत सारा पेंटिंग भी है, बहुत सारा बहुत कुछ मस्ती है। तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जाकर देखिए, वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर आपको सारी पेंटिंग अंदर बहुत सारा पेंटिंग नज़र आएगा। सीखने वाले प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पेंटिंग सीखिए दोस्तों। देखिए हम लोग डायरेक्ट ही अपना नाम का भी लिखाई कर देते हैं बिना उस धागा वागा लगाए। तो देखिए आप इस तरीके से कर सकते हैं और काम पूरा हो जाता है। जगह का मेंटेनेंस करना है दोस्तों, जितना जगह में नाम आ सके उस हिसाब से आपको काम करना है। देखिए नाम कितना जगह आता है, कितना समय लगता है, कितना आ जाएगा लड़की लड़के का नाम, तो इस तरीके से आपको लिखना है दोस्तों। तो देखिए नाम हमारा इस तरीके से रेडी, उसके बाद हमारा पेंटिंग ख़त्म होता हुआ दोस्तों। तो आप ही लोगों देखिए किस तरीके से दिख रहा है हमारा पेंटिंग, तो आप वीडियो पर बने हैं और पूरा देखे हैं, उसको पता चल जाएगा कि पेंटिंग और बनाने में कितना सरल और सस्ता लगता है दोस्तों, और बहुत ही सुंदर दिखता है। इसलिए मैं बोलता हूँ फ्लोरोसेंट कलर से बनाइए और माउथ स्प्रे का प्रयोग कीजिए, और डायरेक्ट इस तरीके से आप बिना ग्राफिक बिना पेंसिल से आप सीधा ब्रश से अपना काम कर सकते हैं, ताकि समय भी बचता है और टाइम भी कम लगता है, सब कुछ जल्दी हो जाता है दोस्तों। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो हमारा फिर से आने वाला है, तो आप वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुँच जाए। देखिए इसमें दो तीन चार डिज़ाइन है, उसको भी आप आराम से देखिए। धन्यवाद, वीडियो पर बने रहिए।